सॉन्ग एंड डांस मैन बॉबी फ्रीमैन डू यू वाना डांस के प्रवर्तक रॉक रॉक एंड रोल सोल और पॉप मनोरंजन कर्ता की याद जिसने एक बहुप्रचारित रत्न की उत्पत्ति की। द मैमस एंड द पापाज ने अपने पहले एल्बम इफ यू कैन बिलीव योर आईज एंड ईयर्स में गाना गाया, फिर बेचते मिडल की धीमी व्याख्या ने उन्हें 1972 में पहली अमेरिकी हिट दी डू यू वाना डांस, जॉन लेनन द्वारा कवर किया गया। टी रेक्स, रेमोन्स और कई अन्य गाने के इतिहास के बारे में और पढ़ें। बॉबी फ्रीमैन सैन फ्रांसिस्को के रॉक एंड रोल सोल और पॉप गायक थे जिन्होंने बहुचर्चित डू यू वॉन्ट टू डांस, बाद में डू यू वॉन्ट डांस लिखा और रिकॉर्ड किया। जोसी लेबल के लिए फ्रीमैन का मूल गीत मई 1958 में उनके 18वें जन्मदिन से कुछ सप्ताह पहले यूएस चार्ट पर हिट हुआ और नंबर 5 यूएस शिखर पर पहुंच गया। बाद में इसे 1973 में अमेरिकन ग्रैफिटी बिग वेडन्स डे 1978 और एक साल बाद रॉक एंड रोल हाई स्कूल 1979 जैसी फिल्मों में प्रदर्शित किया गया। प्रोलिफिक यूके के हिटमेकर क्लिफ रिचर्ड को अपने 1962 के कवर के साथ वहां नंबर 2 की सफलता मिली। इससे पहले डेल शैनन ने गाने को यूएस टॉप 50 में ले लिया था और फोर सीजन्स ने इसे एक एल्बम ट्रैक के रूप में रिकॉर्ड किया था। फिर डू यू वाना डांस के रूप में यह 1965 में डेनिस विल्सन के मुख्य गायन के साथ बीच बॉयज के लिए अमेरिका में नंबर 12 पर पहुंच गया। मिडनाइट स्पेशल आर्काइव ने सालगिरह सेट से पहले स्टीव मिलर बैंड का द जोकर साझा किया। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ABBA की बार बार सफलता पॉल मैकार्टनी ने इस शरद ऋतु में गॉट बैक दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई तारीखों की घोषणा की। अपनी पहली हिट की सफलता के बाद फ्रीमैन बेटी लू गॉट ए न्यू पेयर ऑफ शूज के साथ अमेरिका में नंबर 37 पर पहुंच गए और 1964 में चलो और स्विम के साथ फिर से नंबर 5 पर पहुंचने से पहले कई कम चार्ट प्रविष्टियां की। ये और अनुवर्ती स्विम स्ली स्टोन द्वारा लिखा और निर्मित किया गया था जब वह केवल 21 वर्ष का था। स्ली एंड द फैमिली स्टोन के उद्भव से 3 साल से अधिक पहले फैट्स और जैकी के साथ ब्रह्मन मैन का जन्म 13 जून 1940 को हुआ था और 14 साल की उम्र में उन्होंने वोकल ग्रुप द रोमांसर्स का गठन किया। उन्होंने 1955 में डूटोन के लिए 2 एकल रिकॉर्ड किए और बाद में उन्होंने R&B संगठन वोकलियर्स के साथ गाया। एक अफ्रीकी अमेरिकी रॉक एंड रोलर के रूप में उन्होंने फैट्स डोमिनोज और जैकी विल्सन के साथ दौरा किया और अन्य टीवी शो के बीच अमेरिकन बैंडस्टैंड पर प्रदर्शन किया। फ्रीमैन का चार्ट करियर उस बिंदु पर समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने वॉर्नर ब्रदर्स की सहायक कंपनी लोमा, फिर डबल शॉट और 1972 में एवकों के लिए आरबी फ्रीमैन जैसे लेबल के लिए रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, लास वेगास और अन्य जगहों पर नाइट क्लबों में प्रदर्शन किया, लेकिन उनके निधन के समय लगभग 2 दशकों से सेवानिवृत्ति में थे। 23 जनवरी 2017, 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।